हेलो, माइकल बोल रहा हूँ। किधर है मेरा जीटी मस्टैंग? अब तक आया क्यों नहीं? सर, आपका जीटी मस्टैंग बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा। कब से मैं ये सुन रहा हूँ, अगर कल सुबह तक मेरा जीटी मस्टैंग मेरे घर नहीं पहुँचा तो तेरी खैर नहीं। The next day. Hey, what's up guys? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। Wow! Beautiful! जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, कैसे माइकल ने लेस्टर के साथ मिलके लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप रॉबरी किया था। और गाइस, इससे ना माइकल काफी ज्यादा अमीर बन चुका है। पैसा ही पैसा हो गया। इसलिए माइकल ने डिसाइड किया कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकलिन को सरप्राइज देगा, क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन ने माइकल को KTM 390 गिफ्ट किया था। इसलिए माइकल भी चाहता है कि फ्रैंकलिन को कुछ सरप्राइज दे। बात तो सही है। इसलिए माइकल ने फ्रैंकलिन के लिए ब्रांड न्यू फुल्ली मॉडिफाइड जीटी मस्टैंग को इंपोर्ट करवाया है इंडिया से। और इसका जो प्राइस पर है ना गाइस, वो ऑलमोस्ट 74 लाख रुपीज, यानी कि $90,000। कार का जो लुक है ना, ओ भाई साहब यार, ये तो काफी ज्यादा ऑसम इसका लुक है। जब इस वाले कार को ना गाइस फ्रैंकलिन फर्स्ट टाइम देखेगा ना, तो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कार को ना माइकल फ्रैंकलिन को गिफ्ट करने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो अब भी हम लोग फटाफट से इस वाले कार को करते हैं अनलोड, और इस वाले कार का जो फुल लुक है ना, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इसका जो लुक है ना, वो देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इसका जो कलर है ना, वो हम लोगों ने येलो कलर लिया है, क्योंकि गाइस येलो कलर ना फ्रैंकलिन का सबसे फेवरेट कलर है। और इसके नीचे हम लोगों ने येलो कलर का RGB लगाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जब रात होगा ना, तब ये वाला RGB कलर येलो वाला काफी ज्यादा ग्लो करेगा। ऑल राइट गाइस, तो फटाफट से इसका भी हम लोग जो है आप लोगों को साउंड सुना देते हैं, क्योंकि गाइस जीटी मस्टैंग का जो साउंड है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा ऑसम लगता है, जैसा कि आप लोग सुन ही सक रहे हो। ओ भाई साहब, ये देखो, इसके साइलेंसर से ना वो आग निकलता है, जैसा कि आप लोग देखना अभी। ओ भाई साहब, गाइस तो फटाफट से हम लोग करते हैं फ्रैंकलिन को कॉल और पूछते हैं बंदा घर पर है कि नहीं है। गाइस, मेरी फ्रैंकलिन से बात हुई, बट फ्रैंकलिन अभी घर पर नहीं है, तो यार अभी जाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो यार मैं सोच रहा था काफी टाइम से अपना जो KTM है ना, उसको फुल्ली मॉडिफाई करवाऊं, क्योंकि गाइस ये वाला जो लुक है ना, वो माइकल को इतना पसंद नहीं है, और माइकल काफी टाइम से चाहता था इस वाले KTM को मॉडिफाई करवाना। तो देर किस बात की, तो फटाफट से चलते हम लोग गराज। बट वेट, पहले अपना जीटी मस्टैंग को यार गराज में खड़ा कर देते, क्योंकि लॉस सैंटोस में ना गाइस काफी चोरी बढ़ गया है। अगर ये वाला कार चोरी होता है तो यार माइकल को ना काफी बड़ा लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको फटाफट से करते हैं इस वाले गराज के अंदर। कार है ना गाइस, वो फाइनली सेफ हो चुका है, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं गराज। इस वाले बाइक को ना गाइस हम लोग फटाफट से मॉडिफाई करवाते हैं। गाइस, अभी हम लोगों के पास काफी टाइम है, जब तक फ्रैंकलिन नहीं आ जाता ना, तब तक ये वाला कार हम लोग फ्रैंकलिन को गिफ्ट नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग के पास इतना टाइम है, अपने बाइक को ना वो फुल्ली मॉडिफाई कर दे। मैं सोच रहा था कि अपना बाइक का ना कलर चेंजेस करवाऊं, तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से गराज, देखते हैं वहां पर जो हम लोगों को अच्छा लगेगा ना, वो हम लोग करवाने वाले हैं वह मॉडिफाई। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं गराज, और इस वाले KTM को हम लोग जब फुल्ली मॉडिफाई करवाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। A few minutes later. All right guys, तो फाइनली हम लोगों ने अपना KTM को फाइनली मॉडिफाई कर दिया। और गाइस, इसका जो कलर है ना, वो हम लोगों ने यार काफी मस्त सा कलर चूज किया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें ना हम लोगों ने एग्जॉस्ट लगाया है और काफी सारा मॉडिफाई करवाया। इसका जो ब्रेक्स है ना, उसको भी हम लोगों ने काफी हद तक मॉडिफाई कर दिया। और इसका नंबर प्लेट में ना गाइस काफी कस्टमाइज करवाया। और गाइस, अब ये वाला ना KTM ना काफी ज्यादा दिखने में मस्त सा लग रहा है। ऑल राइट, तो फटाफट से अभी हम लोग करते हैं फ्रैंकलिन को कॉल और देखते हैं बंदा घर पर आया है कि नहीं आया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन घर पर आ चुका है, तो एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं हम लोग माइकल के घर, और ये वाला बाइक को हम लोग रख देते हैं माइकल के घर के अंदर, अपना जीटी मस्टैंग को लेते हैं। बट यहाँ पर ना गाइस, हम लोगों ने फ्रैंकलिन को अभी बोला नहीं है कि अपना जीटी मस्टैंग उसको सरप्राइज देने वाले हैं। जब फ्रैंकलिन इस वाले कार को लाइव देखेगा ना, काफी ज्यादा बंदा खुश भी हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट से चलते हैं माइकल के घर। 5 minutes later. All right, guys, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर और फटाफट से अपना जीटी मस्टैंग को उठाते हैं और चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। भाई साहब, गाइस, ये वाला कार को ना फ्रैंकलिन जो फर्स्ट टाइम देखेगा ना यार, काफी ज्यादा बंदा खुश हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ये ना येलो कलर का कार है और गाइस येलो कलर का आरजीबी लाइट भी हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया है। जब रात होगा ना, ये कार देखने में ना काफी ज्यादा मस्त लगेगा। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। मैं तो यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला कार फ्रैंकलिन को देने के लिए। भाई साहब, ये वाला कार ना, इसका जो लुक है ना वो तो खतरनाक है ही, इसके साथ इसका जो साउंड है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक साउंड है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। जब फ्रैंकलिन इस वाले कार को देखेगा ना तो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। A few minutes later. अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली फ्रैंकलिन के घर और फ्रैंकलिन को अभी हम लोग फटाफट से कॉल करते हैं, बंदा को बुलाते हैं बाहर। फ्रैंकलिन आ चुका है अभी यहाँ पर और गाइस, ये वाला जो कार फर्स्ट टाइम देखा ना फ्रैंकलिन, काफी ज्यादा शॉक हो गया। उससे भी ज्यादा शॉक हुआ जब माइकल ने फ्रैंकलिन को ये वाला कार गिफ्ट के बारे में बोला। बंदा ना खुशी से यार नाचने लगा। तो यहाँ पर ना फाइनली फ्रैंकलिन को ये वाला कार पर मिल चुका है, बट फ्रैंकलिन चाहता है कि इसको एयरपोर्ट में ना वो फुल इसका स्पीड टेस्ट करे। तो अभी हम लोग को फटाफट से जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को लेकर एयरपोर्ट, ताकि वो बंदा ना फ्रैंकलिन वहाँ पर एयरपोर्ट में इसका फुल स्पीड टेस्ट कर पाए। फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट और वहाँ पर इस वाले कार का फ्रैंकलिन फुल स्पीड टेस्ट करने वाला और देखने वाला है कार का फुल स्पीड कितना होने वाला। गाइस, तो अभी लेस्टर का कॉल आया था, वो हम लोगों को एक सीक्रेट जगह पर बुला रहा है क्योंकि लेस्टर को एक सीक्रेट न्यूज पता चला है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं गाइस लेस्टर को ना कौन सा सीक्रेट न्यूज मिला है। लेस्टर ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया बट लेस्टर कहीं दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, लेस्टर को फोन करते हैं, देखते बंदा है कहाँ पर। तो अभी लेस्टर से बात हुई और वो बोल रहा है थोड़ा आने में टाइम लगेगा, तब तक गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। गाइस, अभी लेस्टर से बात हुई और लेस्टर के पास जो सीक्रेट न्यूज है ना वो काफी ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है, क्योंकि लेस्टर को जो सीक्रेट न्यूज पता चला है वो ये है कि हमारे सर लॉस सैंटोस में ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉलर रोनाल्डो आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस, रोनाल्डो के पास ना एक लग्जरी कार है जिसका नाम है लंबोर्गिनी सियान, और वो भी अपने साथ अपना लंबोर्गिनी सियान लेकर के आ रहा है। बट लेस्टर ने प्लानिंग किया है रोनाल्डो का जो लंबोर्गिनी सियान है ना उसको चुराने का। अच्छा, अभी रोनाल्डो को आने में ना काफी ज्यादा टाइम है, तब तक लेस्टर का जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है ना वो तैयार हो जाएगा। फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट, फुल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली अपने एयरपोर्ट के अंदर और गाइस पूरे रास्ते ना फ्रैंकलिन काफी ज्यादा खुश था और यहाँ पर आकर के ना फ्रैंकलिन यार और भी ज्यादा बंदा खुश हो चुका, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रैंकलिन का होने जा रहा है जीटी मस्टंग का फुल फाइनल स्पीड टेस्ट। लेकिन गाइस, यहाँ पे ना 5 सेकंड के अंदर ये कार ना 100+ स्पीड क्रॉस कर चुका। ओ भाई साहब, 150 का जो स्पीड है ना वो यहाँ पर क्रॉस कर चुका। ओ भाई साहब, नीचे एरोप्लेन है यार, कहीं टकरा ना जाए। ओ भाई साहब, फाइनली यहाँ पर बच चुके हैं और इसका स्पीड फाइनली अब आ चुका 160 किलोमीटर। जीटी मस्टैंग को अगर हम लोग देखा जाए ना गाइस, तो जीटी मस्टैंग का 160 किलोमीटर भी यार काफी ज्यादा स्पीड होता है। और गाइस, जब इस वाले कार को फ्रैंकलिन जब अपने मिशन के लिए यूज करेगा ना तो यार काफी ज्यादा ऑसम लगेगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर ना सूरज ढल चुका है, इसका जो येलो कलर का आरजीबी लाइट है ना वो काफी ज्यादा दिखने में मस्त लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओ भाई साहब, काफी ज्यादा मस्त सा लुक आ रहा है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। बट फ्रैंकलिन कह रहा था कि इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई करवाएगा ताकि इसका स्पीड जो है ना फ्रैंकलिन वो 200 किलोमीटर पर आवर तक लेके जाए। भाई साहब, जब ये फुल्ली मॉडिफाई हो जाएगा ना गाइस, काफी ज्यादा मस्त लगेगा ये वाला कार। यहाँ पर होता है ये वाला स्पीड टेस्ट खत्म। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से हम लोग चलते हैं माइकल के घर, वहाँ पर माइकल को हम लोग अपने घर पे छोड़ देंगे। One hour later. All right, guys. तो अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली माइकल के घर और यहाँ पर माइकल को फ्रैंकलिन अपने घर छोड़ने वाला है और फ्रैंकलिन ना गाइस ये वाले कार को अपने घर लेकर के जाने वाला है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।